तो आज ओके इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। तो आज हमारा पावर बीआई की टॉपिक है और पावर बीआई की हमने एक नई बैच स्टार्ट की है और पावर बीआई में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी की। जैसे कि आपने पावर बीआई को ऑन किया, पावर बीआई का आपने लॉगिंग कर लिया है, आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, तो इसमें डेटा इंपोर्ट करना होता है। आप देखिएगा बिल्कुल एक्सेल की तरह ही डेटा इंपोर्ट होता है, क्योंकि जब तक डेटा, क्योंकि इसका अपना डेटा तो होता नहीं है, फिर किसी न किसी अलग सॉफ्टवेयर से डेटा को इंपोर्ट करता है, तो बहुत से सॉफ्टवेयर को फॉलो करता है। रोज रिसेंटली यूज आपको ये दिख रहे हैं, अदरवाइज आप मोर पे जाएंगे तो डेटा टाइप्स को ये करता है। जैसे आपके फाइल्स देख लीजिए, इतने तरह के फाइल्स को करता है, उसके बाद आपका डेटाबेस, एसआई डेटाबेस को सपोर्ट करता है, पावर बीआई खुद का प्लेटफॉर्म है उस पे करता है, अजूरे एप्लीकेशन को करता है, ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी है उसकी करती है, और अदर में कुछ और भी चीजें उनका करता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले फाइल। फाइल में हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेल, हम एक्सेल से डेटा को इम्पोर्ट करते हैं। ओके ओके, तो मैं एक डेटाबेस यहां से लेता हूं, मैं यहां से सी डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। बिल्कुल एक्सेल जैसे आपने डेटा क्यूडी मैंने पढ़ाया था उसी तरह से देखिएगा, जो वीडियो मैंने दी थी आपको से एक करेगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स आपके सामने विजुअल है, तो इसमें से जो टेबल, जो डेटा आपके लिए सुटेबल है वो डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। अब एक बार डेटा को सिलेक्ट करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि सारे डेटा है या नहीं है। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे डेटा वन चाहिए, हमने डेटा वन को यहाँ पे देखिए लोड डिसेबल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्सेल में डिसेबल नहीं होता है लोड करने में, हम एक ही शीट को लोड कर सकते हैं लेकिन पावर बीआई में कई सारे शीट को लोड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ चेकबॉक्स में उस शीट को क्लिक करना होगा, एक या एक से ज्यादा क्लिक करते ही यहाँ पे आपको लोड आएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा है, तो ट्रांसफॉर्म करते ही ये आपको पावर क्यूरी में ले जाएगा, तो पावर क्यूरी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इस डेटा को लोड करते हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा आपका लोड हो गया, और फील्ड के जितने भी टेबल्स, जितने भी पावर बीआई के जितने भी फील्ड्स होंगे, ये फील्ड्स आपको यहाँ इस पे विजिबल हो जाएगा, और बस आपको अपना इस तरह से ड्रॉप करना है और अपने फील्ड्स को रखने हैं, और यहाँ पे आपका डेटा टेबल बन गया। अगर आपको विजुलाइजेशन चाहिए यहाँ से विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पावर बीआई होता है कि आपके डेटा से एक विजुलाइजेशन तैयार हो गया। अभी ऐसे ही और भी चाहिए आपसे, मैंने ये किया और भी कुछ चाहिए, जैसे मैंने ग्रांच चार्ट ले लिया, अब इस पे मैं क्या करता हूँ नेम को रखता हूँ और रखता हूँ किसमें, मैं रखता हूँ तो मार्च। ओके, तो इस तरह से आपने चार्ट को एडजस्ट ले जाइए। ऐसे मैं ट्री मैप चार्ट लेता हूँ, ट्री मैप चार्ट में मैं नेम को रखा और मैंने रखा मान लीजिए जून की सेल्स को, और ये टी मैप आगे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यही आपका पावर बीआई होता है, इस तरह से विजुलाइजेशन बना सकते हैं, यहाँ आपके फिल्टर्स है वगैरह वगैरह है, समझे सर? बिल्कुल पिवट। ओके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये हो गया आपका, सिर्फ अभी क्या है पर्सन 15 सेल्स दिख रहा है, पर्सन 15 पर्सन 15, एस्केप मारूंगा या और क्लिक करूंगा, इसी पे क्लिक करूंगा ये आपका पूरा आ जाएगा। ये क्या आ गया? ये रैंक आ गया, मैं क्लिक कर दिया यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम बार, सो डेटा वन, ये आपका फिल्टर्स होते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा मैं। ये डेटा कहाँ है, तो डेटा देखिए आपके तीन व्यू होते हैं, पहला व्यू होता है जो आपका रिपोर्ट व्यू है, दूसरा व्यू आपका आता है डेटा व्यू जो आपके सामने डेटा दिया, और तीसरा व्यू आपका आता है मॉडल व्यू, जैसे कई सारे आपके अगर डेटा, आपने डेटा शीट या डेटा आपने कलेक्ट कर रखे हैं उसको आपस में रिलेशनशिप करने के लिए, ये चीज हम यूज करते हैं या रिमूव करने के लिए। ओके समझ में आ गया जी? हाँ
अब यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ वापस आते हैं गेट डेटा पे। तो इसी तरह से आप जो फाइल में और कौन कौन से, एक बार इसको एक बार नजर मार लेते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे आपका नोट पैड की फाइल है टेक्स्ट फाइल, तो नोट फाइल की फाइल को भी आप इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आप नोट पैड की फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका नोट पैड का फाइल देखिए पूरा आ गया। सेपरेटेड टैब से है, टैब की जगह यहाँ पे सेमी कोलन कॉमा जो देना है दे दीजिए एंड लोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा और डेटा वन दिख रहा है सर। डेटा पे क्लिक करोगे तो डेटा के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। डेटा नोटपैड वाला डेटा है ना? नोटपैड वाला डेटा है। यहाँ पे देखिए डेटा वन, हाँ डेटा वन आपका जो एक्सेल फाइल का डेटा है और डेटा जो है आपका नोटपैड का डेटा है। तो आप यहां से देखने के लिए आप इस तरह से पिवट टेबल जैसे करते थे ना, वैसे आप यहां भी कर सकते हो। और रिपोर्ट जहां से बनानी जैसे बनानी है आप, जैसे डेटा में मैं एक काम करता हूं, मैं रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, मान लीजिए एक्सेलेन कॉज नेगेटिव प्रोडक्ट रीजन, मैं रीजन को लिया और मान लीजिए मैं यहां पे सेल्स को लेता हूं, ये हमारा सेल्स का आ गया। अब रीजंस में यहाँ पे आपके सामने कई सारे चार्ट्स हैं, ये आपका मैप चार्ट भी है, क्लिक करते ही आपका इस रीजन को ऑटोमेटिक वो रीड कर लेता है और देख रहा है आपको सेल्स आपको मैप के ऊपर दिखा देता है। ठीक है, तो ऐसे यूज हम कर सकते हैं। तो डेटा लोड, पहले चलिए हम डेटा को लोड करना एक बार सीख लेते हैं। तो हमने नोट से डेटा को लोड कर लिया, अब एक बार मैं एक बार हाईलाइट दे देता हूँ, बाकी खुद आप कर लेंगे। ऐसे आप यहाँ पे एक्सेल की फाइल, जेसन फाइल, किसी फोल्डर में कितनी भी फाइल है उसकी पूरी डेटा, किसी पीडीएफ की डेटा आप यहाँ से लोड कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिए। डेटाबेस की बात करें तो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, एमएस एक्सेल डेटाबेस है, आईएसक्यूएल का है, आईबीएम का भी है। जो आपकी कंपनी जो जो डेटाबेस यूज कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, बट उसका क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए। ओके, ठीक है ना? ओके, पावर बीआई का अपना एक प्लेटफॉर्म है, डेटा शील्ड है, डेटा फ्लो है, डेटा सर्विसेज है, वो है तो ठीक है। अजूरे, अजूरे सॉफ्टवेयर, अजूरे जैसे विंडोज सर्वर होता है, एक सर्वर होता है तो आपके सिस्टम इंडिया में बहुत कमी यूज होता है। ऑनलाइन सर्विस की हम बात करें तो सीएल पॉइंट है, डायनेमिक नेवी है, आपका जूरे है, सेल्स फोर्स है, एनालिटिक्स है, इसके बाद फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सबों का डेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अदर में हम आते हैं तो अदर में जैसे कि इंटरनेट से डेटा लेना है, जैसे एक वेब पेज से आपको डेटा लेना है, शेयर पॉइंट से, या किसी ओ डेटा फीड से लेना है, या किसी डायरेक्टरी ऑनलाइन डायरेक्टरी है वो लेना है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से लेना है, आर स्क्रिप्ट एंड पैथन स्क्रिप्ट रन करना है, ओएलईडीबी को रन करना है, ये चीजें आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। या फिर कोई ब्लैंक क्यूरी जैसे एसक्यूएल वगैरह क्यूरी आपको रन करना है तो ब्लैंक क्यूरी में जाकर उसको रन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम जो हम लोग जैसे एक्सेल पे, एक्सेल नोटपैड और एक्सेस वगैरह पे काम करेंगे, तो आपके पास जो भी डेटा सर्विसेज है उस पर कनेक्ट करके देख लीजिएगा, जो दिक्कत होगी हम अगली क्लास में डील कर देंगे। एक पूछना था मुझे यहाँ पर, अभी मैं ईपीएम या फिर ऐसे कुछ ईआरपी यूज करते हैं हमारी कंपनी में, हाँ। जो शायद ओरेकल बेस है, तो उन सिस्टम से अगर मुझे कनेक्ट करना है क्योंकि वहां पर यूजर से इनपुट होता है डेटा, तो उस सिस्टम से अगर मुझे बैकएंड से डेटा लेना है तो उन सिस्टम का क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपका डेटाबेस जो है वो है क्या, ऑनलाइन सर्विसेज है तो ऑनलाइन सर्विसेज में क्या है, ये आपको जो टैग टीम बता दी आपकी, जो टैग टीम होगी ना वो बता देगी आप। ओके, तो अगर वो यहाँ पे लिस्टेड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अदर में जाके आर स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। अगर आप पैथन से या आर स्क्रिप्ट से कनेक्टिविटी हो सकती है तो आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं मुझे जानना पड़ूंगा कि आपके पास डेटाबेस कौन सा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्च, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ईआरपी,
यहाँ पे ईआरपी कोई है नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं समझे ना। तो आप एक बार अपने डेटाबेस को सर्च करें, तो एक बार टैग के या फिर डेटाबेस के नाम दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा क्योंकि मुझे कनेक्ट पर जैसे पी से होता है कनेक्ट राइट इसे एसएपी हाँ सैप से होता है या डेटाबेस में आप देखेंगे ये सैप दिख रहा है ना जी हाँ। सैप भी कई में रूल होते हैं, एक सैप हाना डेटाबेस होता है, एक बिजनेस वेयरहाउस एप्लीकेशन सर्वर होता है, बिजनेस मैसेज सर्वर होता है, इसमें कौन है से पता करना पड़ेगा। ओके गूगल भी होता है आपके यहाँ पे ओके ठीक है ठीक है थैंक्स। तो ये हमारी डेटा कनेक्टिविटी थी। अब हम डेटा कनेक्टिविटी के बाद बात करते हैं कैलकुलेशन। जैसे कि हमने डेटा को कनेक्ट तो कर लिया, आप देखें यहाँ पे डेटा में जाके हम मान लीजिए डेटा को कनेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा कुछ अधूरा है, जैसे मान लीजिए इसमें टोटल नहीं है, इसमें कमीशन नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो हम आप फाइल में जाके अपने जो फाइल है उसमें जाके तो कैलकुलेशन करेंगे, तो हम फाइल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते क्योंकि फाइल के अंदर चेंज करने की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है और परमिशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यही पे इसका चेंज कर सकूँ, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? आपको मॉडलिंग में जाना होगा, न्यू कॉलम पे आना। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले हम कैलकुलेशन समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टोटल दिया और टोटल में हम यहाँ पे मान लीजिए करते हैं 5 + Jan + Mars + लिखते जाइए और टैब से सिलेक्ट करते जाइए, देख के देख लीजिएगा पूरा ठीक है। जून ठीक है, जैन मार्च अप्रैल मई जून और हम एंटर प्रेस यहाँ देखिए टोटल नामक कॉलम आ गया और इस पे कैलकुलेशन हो गया। मतलब अब मैं रिपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जो मैंने मार्च का टोटल दिया हुआ है यहाँ पे हम इसमें से मैं टोटल हटा देता हूँ और एक टोटल यहाँ पर रख देता हूँ ठीक है ओके। टोटल यूज कर सकता हूँ डेटा में रिपोर्ट्स में जी। तो इस तरह से हमारे जो और भी चाहिए हमारे मुझे इसमें कमीशन निकालने हैं, तो वापस न्यू कॉलम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं COM कमीशन और यहाँ पे करता हूँ कि टोटल मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 2% ऐसे आप नहीं लिख सकते, अब चाहे मैं 2% लिख दूं तो ये 2% आप नहीं लिखते क्योंकि परसेंटेज का सैंपल एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पे आपको 0.02% का नंबर फॉर्मेट में देना पड़ेगा, जैसे 10% 0.15% है 0.15 ऐसे देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे जीएसटी निकालना है तो वापस मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा GST मैंने हेडिंग दिया और इक्वल के बाद जो है हम दे देते हैं टोटल टोटल 18% 18% नहीं लिखेंगे 0.18। कंफ्यूजन है आपके पास परसेंटेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप नंबर लिख के ब्रैकेट में डिवाइड बाय 100 कर दीजिए जी। यहाँ पे तीनों का टोटल करना है तो हम यहाँ पे देखिए न्यू रिसोर्स और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका टोटल कर देता हूँ टोटल था जी रिपीट हो जाएगा टोटल लेगा ही नहीं सर वो जैसे करेंगे लेगा ही नहीं तो यहाँ पे हम करते हैं टोटल कमीशन प्लस जीएसटी हमारी यहाँ पे आपके टोटल आ गया ओके। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ओके। अब इसमें एक दिक्कत और एक चीज और करते हैं। अब बात करते हैं क्या हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कमीशन भी लगा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, हमारे पास डेट है, इसमें से महीने को कंबाइन करना है, निकालना है, तो न्यू कॉलम चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ इक्वल कमरा मंथ का, और मंथ में हम देंगे डेट, कौन सा डेट है हमारा, डेटा सेल्स फेयर एक्सलेंट रिसीव रिमेनिंग रीजन सेल्स डेट है वहां पर, हाँ सेल्स डेट, और इसको हम आ गया मंथ आ गया क्लियर है सर। बट ये नंबर में आया है अभी, आपने नंबर का मंथ फॉर्मूला लगाया तो नंबर यूज करता है ना। इस फॉर्मूला है तो इसके जगह पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि वन आया तो आना चाहिए जैन, इस तरह से दे सकते हैं। या फिर अगर मुझे पता है कि मंथ ही निकालना है तो इसके जगह पे हम फॉर्मेट का फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मेट सेल्स डेट कॉमा तीन बार एमएम, एक्स फॉर्मूला एक्सेल में करता है काम। इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा शायद, फॉर्मेट ही तो है, ये थोड़ी होता है फॉर्मेट में, हम एक्सेल में करते हैं फॉर्मेट सेल, शायद वैसे कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं इस फील्ड का। मुझे लगता है ब्रैकेट पे नहीं देना पड़ेगा, नहीं डबल कोट में पता है तो सही है। मैं लगाया हूँ सर, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, उसका डेटा टाइप क्या है कॉलम का, टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट रहता है, पर ये वापस ए दे रहा हूँ ट्रिपल एम, वो इसको रिग्नाइट कर रहा है, दो टाइम इंटरनेंस करेगा, नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, डेटा सेल्स डेट तो है, एक मिनट ये डेट में है ना, सेल्स डेट में एक मिनट यहाँ पे सेल्स डेट, एक मिनट आगे और नेगेटिव रीजन, ओके सर सेल्स डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लिया है सर, जी हाँ टेक्स्ट फॉर्मेट मिल गया, तो इसको एक हाँ इस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे डेटा टाइप को टेक्स्ट के जगह पे मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट टेक्स्ट है ना, इसके जगह पे डेट एंड टाइम, इसने इसको हाँ इस डेटा को रीड नहीं किया है, टेक्स्ट को रीड कर लिया, डेटा टाइप जो है यहाँ पे रीड कर लिया, तो डेट एंड टाइम हाँ डेट को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए डेट में यस अपने आप को कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया कन्वर्ट, जैसे ही कन्वर्ट हुआ ये देखिए आ गया जी। तो इस तरह से डेट का फॉर्मूला हम आ सकते हैं। तो एक यहाँ पे दो चीज, एक चीज आपने दो चीजें सीखी, पहली चीज आपने सीखी कि किस तरीके से हम अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे, तो आप इंपोर्टिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, हाउ कैन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे कर लिया, और हमने फंक्शंस कैसे अप्लाई करता है हमने वो कर लिया,
और शाम में हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे जिसमें हम आपके साथ सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले की कैटेगरी, पहले फॉर्मूले की कैटेगरी पूरा सीख लेते हैं फिर रिपोर्ट पे चलेंगे। तो एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले की कैटेगरी पढ़ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शाम में वो आपस 7:15 के आसपास मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीजें। ओके ओके ठीक है, ओके बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करना है? वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा।